सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण विधि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे सर्वनाम। आओ अब परिभाषा देख लेते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्द वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, वह आदि। बच्चों, जब हम बात करते समय नाम यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार करें तो अटपटा लगता है, इसलिए उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम पहला वाक्य पढ़ेंगे, यह बंटी है। बंटी दूसरी कक्षा में पढ़ता है। बंटी की कक्षा बहुत बड़ी है। तो इस वाक्य को हम कैसे लिख सकते हैं, आओ देखते हैं। यह बंटी है, वह दूसरी कक्षा में पढ़ता है, उसकी कक्षा बहुत बड़ी है। बच्चों, आपने देखा कि दूसरे वाक्य में हमने बंटी के स्थान पर वह और उसकी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। अब हम वह सर्वनाम शब्द देखेंगे जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में जो वाक्य लिखा है वह है, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है मैं। और तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वे सर्वनाम शब्द हैं जो हम छोटों या अपने साथ वालों के लिए प्रयोग करते हैं। अब नीचे वाक्य दिया हुआ है। वाक्य क्या है? वाक्य है, तुम आओ। यहाँ पर तुम जो है वह सर्वनाम शब्द है। इसी तरह पास होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं, यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। और अपने से पड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं, आप, आपने, आपको। बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं, जैसे मैं का बहुवचन है हम और उसे का बहुवचन है उन्हें। इसी तरह आपको अन्य उदाहरण भी नीचे दिए गए हैं। बच्चों, आज हमने किया सर्वनाम। आशा है कि आप सबने इसे ध्यान से सुना और समझा होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।